Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope that you all are doing good. So I am here with another dress designing video. आज मैं आपके साथ कुछ ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूँगी जो विंटर्स के लिए बहुत ही ट्रेंडी भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं. बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हैं इनके. सो यहाँ पर सबसे पहले ये ड्रेस है, इसका नेक डिज़ाइन आप देख लें और इसका कलर आप देखें. सबसे पहले तो इसका कलर ही इतना खूबसूरत है, डल सा ऑरेंज कलर है ना. ये फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा और थोड़े डल वालों के साथ भी. सो ब्राइट ऑरेंज से अच्छा है आप इस तरह का थोड़ा डल ऑरेंज कलर लिया करें. और इसके स्लीव्स के डिज़ाइन आप देखें, सिंपल स्लीव्स हैं और फैब्रिक के साथ कई छोटे छोटे समोसे बना के लगाए हुए हैं इस पर. इस तरह की लेसेस भी अवेलेबल है लेकिन ये फैब्रिक के साथ का टू पीस एक जैसा सूट है ना, तो ये अच्छा लग रहा था बिल्कुल एक जैसा. तो इस तरह के स्लीव्स अगर आप बनाते हैं तो ये दूर से ऐसा लगता है जैसे कट वर्क हुआ हुआ है और ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं. आप अपने किसी भी टेलर को बताएंगे तो वो ईज़िली ये बना लेंगे. और इसके बाद इसके दामन को देखें आप, यहाँ पे तीन तीन प्लेट्स लगाई गई हैं. आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे सही से. सिंपल ड्रेस से लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने से वो इतने अच्छे और ख़ूबसूरत उनकी लुक आती है ओवरऑल. और यहाँ देखें इसके बाद इसके दामन पे भी छोटी छोटी बिल्कुल सेम कलर की शटल लेस लगाई हुई है. और ये स्टफ़ आप देख लें, ये खदर का स्टफ़ है. आप कोई सा भी और ले सकते हैं लाइक मरीना और विंटर्स के लिए जो आपको पसंद है. बट जो स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये मरीना या लीलन टाइप स्टफ़ में सही से नहीं बनेगा. तो इसके लिए आपको ये खदर या कॉटन इस टाइप का ही कपड़ा लेना पड़ेगा. और इसके बाद इसकी आप कुर्ती का स्टाइल देखें, फिटिंग वगैरह इतनी नहीं है, सिंपल स्ट्रेट इसकी सिलाई लगी हुई है, यानी कि ये कुर्ता स्टाइल में. तो चलें अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ. आप नॉर्मल पैंट ट्राउज़र्स भी बना सकते हैं या शलवार भी. और इसका आप देख लें, इसमें आप देखें नीचे से 2 इंच ऊपर करके इस पर 2 प्लेट्स लगाई हुई हैं और उससे ऊपर अगेन वैसे ही जैसे स्लीव्स पे समोसे बने हुए थे फैब्रिक के, वो बना के लगाए हुए हैं. आप इसको दूर से देखें तब भी इनकी लुक बहुत अच्छी आती है. थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर लेने से आपके फुल सूट की लुक बहुत अच्छी आ जाती है. आप सब तरफ देख सकते हैं, फ्रंट बैक दोनों साइड पर ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है. तो ओवरऑल आप इस सूट को देखें, वैसे भी आजकल ये प्रिंटेड सूट्स बहुत इन हैं, ट्रेंड में, और काफ़ी अफोर्डेबल भी बन जाते हैं अगर आप टू पीस सूट इस तरह का लेते हैं. साथ आप कोई सा भी स्टॉलर कर सकते हैं या कोई भी दुपट्टा आप इसके साथ मैचिंग कर सकते हैं. तो चले चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. इसको आप एक बार फुल देख लें फिर इसके बाद मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ. तो सबसे पहले देखें ये डार्क ब्लैक से कलर में डार्क कलर है और इस पर जो प्रिंट है वो भी थोड़ा डार्क ही है. और इसको आप देखें ये फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ है, चुनट वाला फ्रॉक बना हुआ है इसका. यहाँ मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ. देखें यहाँ पे चुनटे बनी हुई हैं और इसके ऊपर एक बैंड सा बना हुआ है जिसके अंदर ये डोरी लगी हुई है और इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आप ऐसा बना लेते हैं तो आपको फिर बेल्ट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती. देखें आप इसको खींचेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको फिटिंग दे सकते हैं जिस तरह आप चाहें. आई होप कि आपको यह समझ आ रही होगी. इसके बाद इसका घेरा देख लें आप, फुल जितना भी इसका चौड़ाई थी कपड़े की वो फुल इसका घेरा रखती है ताकि काफ़ी अच्छे से मतलब इसका सही खुले वाला घेर बन जाए. और यहाँ देखें आप इसके स्टफ़ को और इस पर ये जो प्रिंट हुआ हुआ है. तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक डिज़ाइन की तरफ. नेक डिज़ाइन आप देखें, इसके बैंड लगा हुआ है और आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा. इसका बैंड है और इसके साथ अंगरखा स्टाइल में थोड़ा तिरछा करके फिर स्ट्रेट करके इसके बटन्स लगाए हुए हैं. एक सेकंड मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ इसका. और देखें जिस तरह के ये प्रिंट है ब्लू ब्लू सा, इस तरह के बटन्स लगाए हुए हैं इस पर. ये पहना हुआ नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है. मैं आपको पहनी हुई क्लिप भी इसके बाद शेयर करती हूँ, फिर आपको सही से समझ आ जाएगा. यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बन के आता है.
जो ऊपर वाले 3 बटन्स हैं वो ओपन रह जाते हैं और बाकी नीचे वाले बंद हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं इसकी मेन चीज़ की तरफ, जिसकी वजह से इस पूरे ड्रेस की लुक बनी है। बिल्कुल सिंपल ड्रेस था ना, तो उस पर पॉप अप के लिए ये वाइट कलर का फ्लावर लगाया हुआ है। ये आपको किसी भी लेस के स्टोर से इजीली मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता भी है। और इसके बाद ये बीड्स छोटे छोटे लगाए हुए हैं, अलग अलग बीड्स, ये भी आपको लेस की शॉप से मिल जाएगी। और ये देखें, सिंपल ड्रेस था ना, अगर इसको सिंपल रखते हैं तो ये बिल्कुल ही फीका फीका सा लगता, लेकिन अगर ये लगा दिया इस पर तो पॉप अप के लिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके साथ। और ये डोरी को भी उसी के साथ मैच करके वाइट लगाया हुआ है। इसके बाद एक और सेम इसके साथ का ड्रेस है, ये भी आप देख लें, वो ब्लैक था, उस पर वाइट फ्लावर और बीड्स लगाए हुए थे, और ये वाइट है तो इस पर ब्लैक लगाया है। डोरी भी ब्लैक लगा ली है, फ्लावर भी ब्लैक लगा लिया है। तो चले अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखा देती हूँ। ये भी मेरे फेवरेट स्लीव्स हैं, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट बन के दरमियान में फिर से वैसा बैंड सा बनाया हुआ है जिसमें डोरी डाली है। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे वैसे ही चुन्नट वाले स्लीव्स हैं और काफ़ी खुले बाजू हैं आगे से, ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये टसल्स भी आप अपनी मर्जी से फैब्रिक के साथ के बना सकते हैं। ये डोरी किसी भी कलर में आप ले सकते हैं और आगे फैब्रिक के साथ के टसल्स अटैच कर सकते हैं। तो इसके स्लीव्स डिज़ाइन देखें आप, आगे से बहुत ही खुला है और फुल लंबे स्लीव्स हैं ना, तो ये पहने हुए इतने खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी लुक आ जाती है। आप अपने थोड़े फैंसी सूट्स वगैरह के भी इस तरह के बाजू बना सकते हैं। इन स्लीव्स की पहनी हुई पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।